राजधानी भोपाल के सूखी सेवनिया के ग्राम बरखेड़ी में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में चार बच्चों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल जिले के ग्राम थाना सूखी सेवनिया अंतर्गत ग्राम बरखेड़ी के निकट सरकारी नाले के किनारे 5 से 12 साल उम्र के 7 बच्चे सुबह पीली मिट्टी खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान नाले की मिट्टी धंसने से 6 बच्चे मौके पर मिट्टी में दब गए थे। ग्राम बरखेड़ी निवासी पप्पू सिसोदिया की सूचना पर तत्काल सूखी सेवनिया थाना प्रभारी स्टाफ के मौके पर पहुंचे एवं 108 की मदद से 6 बच्चों को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया, जिसमें से 7 से 9 साल उम्र की 3 बच्ची एवं 1 बच्चे समेत कुल 4 बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया एवं 2 बच्चों का हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि ये पीली मिट्टी का नाले किनारे सुबह सुबह लगभग एज ग्रुप है इनका 7 से लेकर के 12 साल का, 7 बच्चे गए हुए थे, स्थानीय बरखेड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मिट्टी खोदते में ही वो नाले का जो एक दीवार है अचानक धस की, नाले का जो किनारा एक तरह से धसका, जिससे 6 बच्चे मौके पर दब गए थे। जो बच्चा एक बच्चों की नहीं है, जो 7 बच्चे गए थे उसमें एक बच्चा जो मौके पर था उसने दौड़ के पास में गाँव में सूचना दी, जिस पर पप्पू सिसोदिया जो गाँव का है उसने इमीडिएट थाने को सूचना दी और थाना पुलिस थाना प्रभारी पूरा बल इमीडिएट पहुँच के 6 बच्चे जो लोग मौके पर दबे थे उनको निकाल के 108 से इमीडिएट भेजा गया, जिस पर से 2 बच्चे स्वस्थ हैं। इस हादसे के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी खोदने पर भोपाल कलेक्टर ने रोक लगा दी है। वहीं मृत बच्चों के परिजनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। भोपाल से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।